सही जी, बिस्मिल्लाह। 2 मिनट बंद करने के बाद चूल्हा दोनों में बंद कर दिया। अब इसके अंदर शीरा डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो जो जहाँ जहाँ मुझे देख रहा है, मौला सबको सलामत रखे, आबाद रखे। और आज हम आपको सिखा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है मुहर्रम चल रहे हैं, तो आज हम नियाज़े हुसैन हलवा और तातान यानी कि शीरमाल के 100 पैकेट बनाएंगे हम हलवे के और शीरमाल के। तो उसके लिए हमने लिए सूजी, 3 किलो सूजी, 3 किलो चीनी। वैसे तो लोग कहते हैं घी भी 3 किलो डालो, मगर नहीं, हम सिर्फ 1 किलो घी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। 1 किलो घी, थोड़ा सा जाएगा हमारा ज़ाफ़रानी केवड़ा, ज़रदा कलर जाएगा। बादाम ले लें 150 ग्राम, 150 ग्राम खोपड़ा ले लें मोटा कटा हुआ, 150 ग्राम के करीब किशमिश ले लें, 10 से 12 इलायची ले लें। अच्छा, इसका तरीका कार होता है, उसको आपने देखना है, फॉलो करना है, तो आपका हलवा बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त रहेगा। तो चले आए बनाते हैं 3 किलो सूजी का हलवा नियाज़े हुसैन। सही जी, सबसे पहले हमने 3 किलो चीनी ले ली, वो अलग से आपने एक पतीला ले लेना, बड़ा छोटा नहीं लीजिएगा, बड़ा लीजिएगा। इसके अंदर हमने डाल, हलवा आपको पता है बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन जो तरीका कॉमन है, जो कि एक अच्छा तरीका है, वही हम आपको सिखाएंगे। नीचे हमने लगा दी इसके आग। सही जी, ये करने के बाद, अच्छा पानी इसमें कितना जाएगा, चलिए हम आपको पानी भी दिखाते हैं। सही जी, ये देखें पानी 1, 2, 3 आ गया हमारा, 4 ये वाले जो जूस वाले होते हैं, ये देखिए पानी इतना होना चाहिए कि चीनी आपकी इतनी हो, 1 पोटे तक आपका पानी होना चाहिए ऊपर। सही जी, हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया, शीरा पक रहा है हमारा। अब हम आ जाते हैं हलवे की तरफ। बड़ा पतीला ले लिया हमने, हमारा माशाल्लाह नियाज़ इसी में बनती है, सब पतीले में। घी से अच्छा बनेगा, अच्छी क्वालिटी का घी ले लें। देसी घी में बनाना है देसी घी में बना लें, डाल्टे में बनाना है डाल्टे में बना लें। 10-12 तक इलायची ले लें, बहुत ज़्यादा इलायची नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा इलायची लेंगे तो फिर फ्लेवर आउट हो जाता है। सही, ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही, पूरी 3 किलो। अच्छा, ये भी होता है, एक और मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें आपने 1 कप के करीब ऑयल मिला दें, छोटा कप। चलिए कि आपका बड़ा प्यारा ये भुन रहा है, और इसको भी हम मिला देते हैं चीनी को, ताकि चीनी का शीरा भी तैयार हो जाए जल्दी जल्दी। अच्छा, चीनी के शीरे के अंदर ही कलर जाएगा, कलर हम थोड़ा सा तेज़ रखेंगे। लोग पीला भी डालते हैं, मगर पीला अच्छा नहीं लगता। आप ऑरेंज कलर या जर्दा कलर, वो ज़्यादा सुस्त हो गया, जर्दा कलर थोड़ा सा तेज़ डालेंगे। हाफ टी स्पून के करीब डाल दें, इसको एक उबाल दिलाएं चीनी को, एक उबाल आ जाए। अच्छा जी, इसके अंदर हम ये ज़ाफ़रानी केवड़ा ये भी ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून एंड द हाफ। अच्छा, ये हमारा सूजी इसको हम भून लें। सही जी, हम भून रहे हैं जब तक हमारा शीरा भी तैयार हो रहा है, एक उबाल दिलाते हैं हम शीरे को, और फिर हम आपके बाद। सही जी, ये देखें फर्स्ट क्लास भून चुकी है, अब ज़्यादा वो इंतज़ार नहीं करना कि इसको काला करें, तो वो काली हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो बस अब ये भून गई, देखें खुशबू आनी शुरू हो गई है इसकी, खूबसूरत सी प्यारी सी भुनी भुनी सी। अब चूल्हा बंद करते हैं अभी, और ये देखें, ये हमने शीरा भी पका लिया,
अब इसके अंदर हम थोड़ी देर में शीरा कटते हैं, डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सही जी, बिस्मिल्लाह। दो मिनट बंद करने के बाद चूल्हा दोनों में बंद कर दिया। अब इसके अंदर शीरा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मिक्स करें। अच्छा, इस टाइम अगर कलर और डालना चाहें तो कलर और डाल सकते हैं। जब सब मिक्स हो गया, अब हम चूल्हा जलाएंगे। दरमियानी आंच पे चूल्हा जलाएं और इसको पकाते हैं। तो एक कलर थोड़ा हल्का, कलर में ऑयल डालता हूँ उसमें, फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। सही है, देखें जी, इसको ऐसे आपने मुस्तकिल हिलाते रहना, इंशाल्लाह परफेक्ट आएगा। लन का मौला के नाम का ये। जब आप न्याज बनाते हैं ना, तो जिनके नाम की न्याज होती लोग नहीं मानते, मगर है, जिनके नाम की न्याज होती वो खुद आपके साथ होते हैं। और ये आपकी खुशकिस्मत ही होती है कि आप किसी के नाम की न्याज बना रहे हैं। तो मैं तो इसको अपनी खुशकिस्मत ही समझता हूँ। तो अब देखें, इसको आपने ऐसे मिक्स करते रहना जब तक आप देखेंगे सूजी फूल ना जाए। सही से सूजी फूल जाएगी, पता चल जाएगा आपको, ऑयल ऊपर आ जाएगा इसके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सही जी, ये देखें माशाल्लाह फूलना शुरू हो गया है। हमने दरमियान ही आँच कर दी बिल्कुल। अब हम इसको देखें, साइडों से साफ करें। जब इसके अंदर बबल्स आने शुरू हो जाए, सही जी, अब देखें जिनको दिखाएं, देखें बबल्स आ रहे हैं। अब बिल्कुल सिलो आंच, जैसे दम पे नहीं लगाते कोई चीज़, उस तरह से हमने लगा दी, मगर ऊपर से नहीं ढकना है इसको। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल सिलो आंच पे छोड़ना है, फिर हम आते हैं आपके पास दिखा। सही है, देखें जी कितना यम्मी और बेहतरीन हलवा तैयार है हमारा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे किशमिश, कोकोनट, बादाम। ओ माय गॉड, क्या प्यारा है ये हमारा माशाल्लाह लंगर याम। तो ये अब इंशाल्लाह हम आपको पैकिंग करके हुए भी दिखाएंगे। और सही है, देखें निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माय गॉड, यम्मी हलवा, ज़बरदस्त हलवा। ये लीजिए, निकाल के भी हमने आपको दिखा दिया। ये देखें कितना यम्मी है माशाल्लाह, ये एकदम ज़बरदस्त। और अब हम इसको पैकिंग करते हैं, आपको पैकिंग भी दिखाते हैं कि नज़र न्याज के लिए किस तरह पैकिंग की जाती है और किस तरह उसको बांटा जाता है। तो चलें आए, चलते हैं, पैकिंग करते हैं इसकी। सही है, देखिए जी हमने ले लिया, बना लिया। अब देखें आधा शीरमाल लगाएं, बहुत अच्छी न्याज, ज़बरदस्त, कम पैसों में अच्छा काम। ये अभी हमने शीरमाल बनवाए हैं यहाँ से। अच्छा जी, अब इसके साथ ही अब हम ख़त्म करेंगे। आपने हमारे चैनल पे आना है, किंग शेफ शाहिद जट जिया पाकिस्तान, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरा नंबर लिख लें, 0315000 4444। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद, जिया पाकिस्तान।